सूरह अल कारियह हिंदी में। सूरह अल कारियह मक्का में नाजिल हुई। इसमें 11 आयतें हैं। इस सूरह में अल्लाह ने कयामत की हौलनौकी के बारे में और लोगों के अमाल के हिसाब किताब के बारे में बताया किया है। ये सूरह पारा नंबर 30 में है। सूरतुल कारिया मक्कीया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल कारिया, खड़खड़ाने वाली। मल कारिया, खड़खड़ाने वाली क्या है। वमा अदराक मल कारिया, और तुम क्या जानो कि खड़खड़ाने वाली क्या है। يوم يكون الناس كالفراش المبثوث। वो कयामत है जिस दिन लोग ऐसे होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे। وتكون الجبال كالعهن المنفوش, और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे धुंकी हुई रंग बरंग की ऊन। तो जिसके आमाल की वजन भारे निकलेंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा। और जिसके वजन हल्के निकलेंगे उसका मर्जा हाविया है। وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, और तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज है। نَارٌ حَامِيَةٌ, वो दहकती हुई आग है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा दें।